मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में डीसीए प्लेलिस्ट में हम लोग पेंट ब्रश का एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, और उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये स्पेशल वीडियो किड्स के लिए है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको पेंट ब्रश क्यों सिखाएं, आपको पेंट ब्रश बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इससे पहले कि हम आगे वीडियो में आपको कुछ बताऊं, मैं आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल घंटे की चिन्ह आएगी, उस पर आप जरूर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि आप जो भी नई वीडियो हम लोग बनाएंगे अपने चैनल में, जो भी अच्छी अच्छी वीडियो और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बनाएंगे, वो आपको आसानी से आपके पास पहुंच जाए और आप उसे मिस ना करें, इसलिए वो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं बता रहा था कि आज इस वीडियो में जो मैंने पेंट ब्रश का एक वीडियो बनाया है, इससे पहले भी मैंने पेंट ब्रश का आपको वीडियो बताया जिसमें मैंने डिफरेंट टूल्स के बारे में आपको बताया था कि कौन किस टूल का क्या यूज है, कैसे उसे हम पेंट में काम लाते हैं। तो उस टूल्स के यूज़ के बाद मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनके इंगेजमेंट के लिए, इवन उनके क्रिएटिविटी मतलब उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर वो पेंट ब्रश पे जाएं और काम करना सीखें तो निश्चित तौर पे उनका कुछ डेवलपमेंट होगा, वो कुछ निश्चित तौर पे क्रिएटिविटी करेंगे वहाँ। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ये काफ़ी फायदेमंद है आपके बच्चों के लिए, तो आप सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। तो इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं पेंट ब्रश में, स्पेशली स्पेशल एडिशन फॉर द किड्स। दिस वीडियो, आज इस वीडियो की जो टाइटल है, आज की जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ पेंट ब्रश फॉर किड्स, यानी बच्चों के लिए पेंट ब्रश क्यों जरूरी है, क्या इसका यूज़ है बच्चों के लिए, क्यों ये हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेंट ब्रश जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है यहाँ पे, ये ड्राइंग से रिलेटेड है और बच्चों को ड्राइंग्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। साथ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, वो कुछ नया सोच सकते हैं, उनका माइंड डेवलप हो सकता है, कुछ नया अगर वो बनाते हैं यहाँ पे इन सारे टूल्स का यूज़ करके तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और उनका माइंड भी डेवलप होगा और उन्हें मन भी लगेगा, वो इंगेज भी रहेंगे। और टैबलेट और गेम खेलने से अच्छा है कि कुछ यहाँ पे पेंट ब्रश पे कुछ काम करें, कुछ ड्राइंग करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, निश्चित तौर पे आपके बच्चों का आपका जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। तो चलिए मैं छोटे छोटे डायग्राम, मैं छोटा सा छोटा छोटा पिक्चर्स बना के जो किड्स के लिए अच्छा रहेगा, आप भी इसे देखें और बच्चों को भी सिखाएं कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सपोज मैं स्माइली बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक सर्किल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और सर्किल ले लिया, इतना बड़ा मान लो ले लिया सर्किल। फिर इसमें मुझे क्या करना है कि स्माइली का ये फेस बनाना है, तो स्माइली के फेस के लिए फिर मुझे एक सर्किल चाहिए होगा, तो यहाँ से फिर से सर्किल लेके मैं इसका आँख बना देता हूँ, ठीक है, दो आँखें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब इसके आँखों के अंदर जो बॉल होता है वो आप यहाँ से ऐसे क्रिएट कर दो यहाँ पे छोटा छोटा, ठीक है। अब इसका वो लिप्स बनाना है, तो लिप्स बनाने के लिए यहाँ पे कर्व का टूल है, कर्व टूल को सिलेक्ट कीजिए और इसे आप ड्रैग करें। मैंने कर्व टूल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको, कर्व को आप दो बार बेंड कर सकते हो, एक बार हल्का बेंड करो, एक बार थोड़ा और बेंड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप लिप्स को और क्रिएटिव बनाने के लिए एक बार और कर्व्स को यूज़ करो, यहाँ पे यहाँ से शुरू करो, ठीक है, और यहाँ तक खींचो, इसे आप बेंड करो नीचे की ओर और एक बार और बेंड कर लो अच्छे से। तो इस तरह से आपका ये स्माइली फेस तैयार हो गया है। अब इसमें आप कलर भर लो, कलर फिल करने के लिए यहाँ पे टूल मैंने बताया था, आप यूज़ करो इसे। सपोज दैट आप यहाँ पे लिप्स में रेड कलर डाल दो, ठीक है, और इस दोनों आँखों के बीच में ये जो है इसको आप ब्लैक कर लो है, और फेस का कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो, कोई भी कलर आप अलग अलग कलर में भी बना सकते हो, ठीक है। फिर इस तरह का स्माइली अगर आप पूरे दो तीन स्क्रीन पे चाहिए आपको तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो सिलेक्ट टूल से, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको अच्छे से ड्रैग करना कि कोई इमेज आपका कटे नहीं, इस तरीके से आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तीन आपका स्माइली हो गया, मेहनत आपने एक बार किया और तीन स्माइली आपका बन गया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर का स्माइली बना लें आप, नहीं तो आपका थोड़ा और क्रिएटिव लगेगा। आप तीनों स्माइली के पास अगर आप स्टार चाहते हैं तो आप स्टार बना लीजिए, देखिए ठीक है, इसमें आप अपने पसंद का कलर डाल लीजिए, ये बॉर्डर कलर है, यहाँ से फिल कर लीजिए इसमें, आप जितना स्टार चाहोगे उतना बना सकते हो, अलग अलग तरह का स्टार है आप वैसा बना सकते हो, यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ये बच्चों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे अगर इसको एक बार देखेंगे और आप उन्हें पहले एक बार दिखाओ ठीक है ये वीडियो, और फिर आप बोलो उनको कि ये ऐसा बना के दिखाओ ठीक है, इस तरह से स्माइली बनाएंगे तो निश्चित तौर पे उनका कुछ प्रैक्टिस होगा और उनको निश्चित तौर पे कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। आप अलग अलग कलर इसमें डाल सकते हैं ठीक है, इस तरह से तीन स्टार बन गए, तो आई थिंक ये पिक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। आप बैकग्राउंड में भी कोई कलर अगर डालना चाहते हो अच्छा सा सॉफ्ट कलर तो डाल दो ऐसे करके, इतना अच्छा नहीं है, अब ये डाल के देखो ऐसे ठीक है। तो ये एक डायग्राम हो गया, मैं अब इसे हटा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देख लो मैंने कैसे बनाया, वैसे आप भी बना के देखना। अब मैं इसे सिलेक्ट ऑल करके, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ ठीक है। उसके बाद आप एक फ्लैग भी बना सकते हो, फ्लैग बनाने के लिए कर्व लाइन का यूज़ करना है यहाँ हमें, है ना। अब ब्लैक कलर ले लो, थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, आप इसको पतला करें लाइन को, और जैसे एक लाइन मैंने खींचा ठीक है, इसे आप एक बार यहाँ से ऐसे मोड़ लो, एक बार ऐसे यहाँ से ठीक, कर्व बन गया। अब इसे आप कॉपी करके पेस्ट करो, सॉरी पहले वाला पेस्ट हो गया, इसे कंट्रोल जेड से आप वापस जाइए, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे ठीक है। अब इसे कॉपी करके पेस्ट कीजिए, देखो कैसे ये फ्लैग बनेगा यहाँ पे, एक सुंदर सा फ्लैग ये देखो। अब यहाँ पे आप कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो, सपोज ये राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ से ले लो, इसको आप ऐसे ड्रैग कर लो, जितना मोटा रखना चाहते हो उतना करके छोड़ दो आप ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लाइन यूज़ कर लो, यहाँ पे ऐसे लाइन दे दो, एक्स्ट्रा लाइन के लिए आप वरी मत करना, ये इरेजर से हम लोग सबको हटा देंगे ठीक है। आप एक यहाँ पे सर्कल बना लो, चक्र के लिए एक छोटा सा इसमें भी सर्कल बनना चाहिए, छोटा सा। अब मैग्नीफायर का भी यूज कर सकते हो, मैग्नीफायर से बड़ा करके आप इसको बना लो, छोटा इमेज पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है ठीक है। आप इसको कंट्रोल और एरो की से एडजस्ट कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल और एरो की यूज़ कर रहा हूँ और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे लाइन खींचे, कितने लाइन होते हैं फ्लैग में आप जानते होंगे, 28 लाइंस आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, 1 2। चलो इसे छोटा कर लो, यहाँ से ये नीचे 300 है, आप इसको 100 पे कर लो, तो देखो यहाँ पे आ गया है। अब इरेजर से आप इसको इरेज कर लो, जहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन आ गई होगी उसे आप यहाँ से इरेज कर सकते हो, देखिए फिर से इसको वापस छोटा कर लो। अब इसमें कलर आप डाल लीजिए, फ्लैग के कलर तो आपको पता होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे डाल लीजिए, इस तरह से आपका फ्लैग तैयार हो गया। अब इसमें आप जितना डेकोरेट कर सकते हो, जितना इसको क्रिएटिव कर सकते हो आप कर लो, और बहुत सारे टूल्स हैं
सपोज यहाँ पे आप फ्लावर यूज करना चाहते हो तो आप अलग अलग कलर का ठीक है इस तरह से फ्लावर गिरता हुआ फ्लावर ये चीजें और भी इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं इंडिया इज ग्रेट कंट्री तो आप यहां से लिख सकते हैं किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ से स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था इंडिया इस तरह से इसका अगर साइज बड़ा आ रहा है तो इसको सिलेक्ट ऑल कर लो कंट्रोल ए से और यहां से साइज छोटा कर लो तो आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ठीक है अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो सपोज इंडिया बीच में रहे आप इसको बीच में कर लीजिए ऐसे तरीके से आप कोई भी आर्ट बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना क्रिएटिव कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में इतना ही आई थिंक मैंने दो पिक्चर दो डायग्राम आपको बनाया बहुत सारे बन सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर बना सकते हैं तो ये सारे टूल्स का यूज़ करें और अपने बच्चों को सिखाएं कि और उस पर इंगेज करें पेंट ब्रश का उनको एप्लीकेशन सिखाएं तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो चलिए आज इतना ही थैंक यू टेक केयर बाय बाय।